नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। 2015 की क्राइम थ्रिलर फिल्म दृश्यम की अगली सीरीज दृश्यम 2 को रिलीज की तारीख मिल गई है। अजय देवगन और तब्बू की मुख्य भूमिका वाली फिल्म मोहनलाल अभिनीत दृश्यम 2 का ही रीमेक है। अक्षय खन्ना भी अब इस हिट थ्रिलर मूवी का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन उनके रोल को अभी गुप्त रखा गया है। सोशल मीडिया पर दृश्यम 2 की रिलीज की तारीख की घोषणा करते हुए तब्बू ने लिखा कि #दृश्यम2 18 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। अजय देवगन ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा करी। इससे पहले तब्बू ने दृश्यम 2 के सेट से तस्वीरों को पोस्ट किया था। तब्बू ने एक क्लैपबोर्ड की तस्वीर साझा की और लिखा Day 1 दृश्यम 2। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ फिल्म की टीम में अक्षय खन्ना का स्वागत भी किया था, जिसमें लिखा था #दृश्यम2 अक्षय खन्ना #ट्रूली टैलेंटेड। एक अभिनेता के रूप में एक रत्न पाकर खुशी हुई। आपको बता दें कि दृश्यम 2 भूषण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित और संजीव जोशी, आदित्य चौकसे और शिव चनाना द्वारा सहनिर्मित है। फिल्मों का सिलसिला बनाए रखने के लिए अक्षय कुमार अब दूसरी फिल्म के साथ वापस आ रहे हैं। आनंद एल रॉय द्वारा निर्देशित फिल्म का नाम रक्षाबंधन है और इसमें अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का ट्रेलर मंगलवार शाम यानी कि आज रिलीज होने वाला है। ट्रेलर लॉन्च से पहले ही अक्षय कुमार ने एक और नया पोस्टर साझा किया, जिसमें उनकी और उनकी ऑन स्क्रीन बहनों को दिखाया गया है। नए पोस्टर में अक्षय कुमार को अपनी बहनों के साथ स्कूटर की सवारी करते हुए देखा जा सकता है। पोस्टर को साझा करते हुए उन्होंने इसे कैप्शन दिया है, एक साथ एक दूसरे के रहस्यों, खुशी और दिलों को जानना है, एक साथ जीवन है और परिवार के बिना जीवन क्या है, आए इस खूबसूरत परिवार में शामिल हो जाएं। फिल्म की रिलीज ठीक उसी दिन है जब पूरे भारत देश में रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस त्योहार की तरह फिल्म भी भाइयों और बहनों के बीच के रिश्ते को दिखाती है। अभिनेता आर माधवन ने सोमवार को कहा कि सुपरस्टार शाहरुख खान और सूर्या ने उनकी आने वाली फिल्म, उनकी निर्देशित फिल्म रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट में अतिथि भूमिका के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं लिया है। अभिनेता फिल्म निर्माता ने मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और स्टार निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनस को सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी फिल्म का समर्थन करने के लिए भी धन्यवाद दिया। आर माधवन ने लिखा कि चाहे वो सूर्या हो या शाहरुख खान साहब हो, उनमें से किसी ने भी फिल्म के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया है। उन्होंने कारवां, वेशभूषा और सहायकों के लिए कुछ भी शुल्क नहीं लिया। सूर्या ने अपने पैसे पर अपनी टीम के साथ मुंबई में शूटिंग के लिए उड़ान भरी थी। उन्होंने उड़ानों के लिए भी या संवाद लेखन के लिए भी कोई फीस नहीं ली, जिन्होंने तमिल में 29 पंक्तियों का अनुवाद किया था। आर माधवन ने कहा कि उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म के विचार पर चर्चा तब की थी जब वो एक साथ जीरो में काम कर रहे थे, और बताते कि जीरो में आर माधवन की विस्तारित अतिथि भूमिका थी। रॉकेट्री को मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ में भी डब किया गया है। आपको बता दें कि ये फिल्म 1 जुलाई को देशभर में सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।